गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ सावेरी सेलम एंड आई एम योर मेंटर फॉर योर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज सम ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्पेशली ओलिगोपॉली. ओलिगोपॉली में से आज हम क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करेंगे ताकि आप होलिस्टिक तरीके से अपनी तैयारी कर पाए. ऑल्सो गाइज, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन. जो अनएक्सपेक्टेड पार्ट रहता है यूजीसी नेट में, वो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए और आप अच्छे से अपने एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में स्कोर कर पाए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो. बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. These sessions for economics are conducted on Monday, Wednesdays and Fridays at 6 p.m. So do join our YouTube family and do join our Telegram group. You can solve some daily quizzes here and solve some queries related to your UGC NET economics exam. Also guys, I have a great announcement for you guys that you can now check out our new course related to paper 2 economics and paper 1 and paper 2 combined at anujindal.in or contact us at 9999466225. Okay, so let us start with our first question. Which of the following phenomena are responsible for the existence of oligopoly? So oligopoly ke existence mein कौन से इन दोनों में से जो इकोनॉमिक फिनोमिना है वो काम करते हैं. नाउ व्हाट इज एन ओलिगोपॉली? वेयर देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स. परफेक्ट कंपटीशन की तरह एन नंबर ऑफ फर्म्स नहीं है, मोनोपोली की तरह एक फर्म नहीं है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ फर्म्स विच इज समवेयर बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन विजवी द नंबर ऑफ फर्म्स. तो ये जो नंबर ऑफ फर्म्स है, कोई तो रीजन रहा होगा कि ये इतने लिमिटेड क्यों रहते हैं. व्हाई नॉट दे टर्न इनटू परफेक्ट कंपटीशन जिसमें और जो एंट्रीज हैं वो ज्यादा हो जाए. सो एक गिवन कंडीशन तो यही है कि मर्जर्स होते होंगे, कुछ बैरियर्स होंगी एंट्रीज पे, और क्या रीजंस हैं? सो लेट अस अंडरस्टैंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि ओवर द टाइम यू गेन एक्सपर्टीज एंड द कॉस्ट कम डाउन. जब ओवर द टाइम आपको बिजनेस करते हुए बहुत टाइम हो चुका होता है तो आप एक्सपर्टीज आ जाती है आपको, आपका जो लेबर है दैट एक्चुअली बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड लेबर. अब जो स्पेशलाइज लेबर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? द कॉस्ट विल कम डाउन. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर विस्लरी और लेट अस कंसीडर कैडबरी. कैडबरी हैव बीन डीलिंग विद चॉकलेट्स फॉर सो लॉन्ग. अब उसको ये पता है उसके लेबर को कि किस तरीके से जल्दी से पैकिंग करनी होती है या जल्दी से उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना होता है. सो देयर लेबर इज एक्चुअली स्पेशलाइज्ड. अब आप इसको ये समझिए कि इफ आई एम अ न्यू एंट्रेंट टू द चॉकलेट मार्केट एंड आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन फर्म, आई विल कम्पीट विद कैडबरी. और कैडबरी के पास क्योंकि इतनी एक्सपर्टीज है, आई माइट नॉट एबल टू सर्वाइव. तो इसीलिए कैडबरी रिमेन्स इन द फर्म. एंड यू कैन योर सेल्फ सी कि जो चॉकलेट मार्केट है उसके अंदर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. सो यस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एक रीजन है फॉर ओलिगोपॉली टू एग्जिस्ट. नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ स्कोप. नाउ दिस आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय कैडबरी एग्जांपल. अब कैडबरी दे डीलिंग चॉकलेट एंड लेट्स से चॉकलेट पाउडर बॉर्नविटा. अब क्योंकि वो ऑलरेडी चॉकलेट मार्केट में डील कर चुके हैं, नाउ दे हैव एक्सपर्टीज टू मार्केट बॉर्नविटा. मार्केट कर सकते हैं वो बहुत इजीली बॉर्नविटा को. सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि कैसे सेल्स मेक करनी है यहाँ पे बॉर्नविटा के साथ में, और उनको ये भी पता है कि बॉर्नविटा को बनाना कैसे है.
क्योंकि वो दैट इज अ चॉकलेट पाउडर, दे हैव एक्सपर्टीज इन मेकिंग चॉकलेट, सो दे वुड बी वेरी इजिली मेक अ चॉकलेट पाउडर आउट ऑफ इट. नाउ दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, वेयर द स्कोप ऑफ योर बिजनेस इंक्रीजेस. एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं आप, पापड़ की फैक्ट्री है आपकी, तो आप नमकीन भी बनाना शुरू कर सकते हैं. आपको पता है कि कैसे बनाते हैं पापड़ को, तो उसी के मसाले आप यूज करके नमकीन भी बना सकते हैं. नाउ दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, स्कोप बड़ा हो गया है आपके प्रोडक्शन का. नाउ बोथ दीज रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलिगोपॉली, क्योंकि दोनों ही रीजन से वन ऑलिगोपॉली कैन डाइवर्सिफाई एंड गेन मोर एंड मोर कंट्रोल ओवर द मार्केट. जो ऑलिगोपॉलिस्टिक फर्म्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स है, वो हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे. नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलिगोपॉली, दैट योर फर्म्स आर लिमिटेड. एंड हेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रीजंस व्हाई द फर्म्स आर लिमिटेड. सो आई होप नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट बोथ ऑफ द रीजंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्कोप, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलिगोपॉली. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर कार्टेल, कार्टेल के लिए कौन से ट्रू है. दिस इज फ्रॉम योर पास्ट ईयर. ओके, सो फर्स्ट पार्ट सेज इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल फर्म्स प्रॉफिट. इंडिविजुअल फर्म के जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए होता है ये कार्टेल. इट डिसाइड्स द टोटल आउटपुट इन द इंडस्ट्री टू विच कार्टेल रिप्रेजेंट, टोटल आउटपुट रिप्रेजेंट करता है ये कार्टेल की. थर्ड पार्ट सेज इट डज नॉट फिक्स द प्राइजेस एट विच द मेंबर सेल देयर आउटपुट, ये फिक्स नहीं करता है प्राइजेस को एट विच द आउटपुट इज बींग सोल्ड. सो लेट अस अंडरस्टैंड कार्टेल्स. ऑलिगोपॉली जो है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, ये हमने समझ कर लिया. फॉर आर इज लेट अस से इट इज अ डुओपॉली, दो ही फर्म्स हैं. अब ये जो फर्म्स हैं या तो आपस में कॉपरेट कर सकते हैं. कॉपरेट कैसे कर सकते हैं, लेज के अगर प्राइस 10 रुपीज है एक पैकेट के, तो हल्दीराम भी अपने प्राइजेस को 10 ही रखेगा कि भाई भाई बन जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, इतना कंपीट नहीं करते हैं, और अपने जो प्राइजेस हैं उनको कॉपरेटिव वे में निकालते हैं, सो दैट हमारा फायदा हो, सो दैट वी रिमेन द ऑलिगोपॉली एंड अदर फर्म्स डू नॉट एंटर इन द मार्केट. And more firms will enter into the market, there is a chance that the market will become perfect competition and there is no normal profit in the perfect competition. Perfect competition में कोई भी normal profit होता नहीं है, ये हमें पता है. तो firms का जरा फायदा हो जाएगा कि अगर वो पूरा जो market setup है वो oligopoly ही रहेगा, so they cooperate. और अलग chance दूसरा उनके पास क्या option है, दे डू नॉट कॉपरेट, सो नॉन कॉपरेटिव, कि हम नहीं दोस्ती करते, हम तो लड़ाई करेंगे. इफ यू विल इंक्रीज योर प्राइस आई विल ऑल्सो इंक्रीज माई प्राइस, इफ यू विल डिक्रीज योर प्राइस होपिंग दैट यू विल इंक्रीज द डिमांडेड क्वांटिटी, देन आई विल ऑल्सो डिक्रीज माई प्राइस, सो आई विल फाइट विद यू. दिस इज द नॉन कॉपरेटिव गेम, कि बिल्कुल प्राइस वॉर करना. अब नॉन कोऑपरेटिव की यहां पे बात नहीं हो रही, कार्टेल की बात हो रही है जो कि कोऑपरेटिव गेम है, एक कोऑपरेशन है. इसका एक एग्जांपल ओपेक भी है जो इंटरनेशनल एक कार्टेल है, जहां पे अ ग्रुप ऑफ ऑलिगोपॉलिस्ट फर्म A group of oligopolistic firms come together so as to maximize the profit of the whole industry. जैसे कि OPEC के ही example में से देखो आप, OPEC अब oil producing countries हैं, oil producing and exporting countries.
अब ये जो कंट्रीज हैं, व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द होल ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री. तो ये प्राइजेस को आपस में डिस्कस करके सेट करते हैं ताकि कहीं से भी और सस्ते दाम पे प्राइस पे आपको ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में ना मिल पाए. सो दे फॉर्म अ कार्टल ऑफ निगोसिएशन ऑफ कॉरपोरेशन कि हम अपने मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट को सबके लिए. और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होएगा, आउटपुट के हिसाब से, जिसकी ज्यादा आउटपुट उसको ज्यादा शेयर. ठीक है, तो इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को नहीं देख रहे हैं हम, पूरे के पूरे जो सेटअप है, पूरे के पूरा जो मार्केट है, इंस्टीट्यूशन है, उसके प्रॉफिट्स को हम देख रहे हैं. सो दिस इज माय कार्टल. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ए पार्ट गलत है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल फर्म प्रॉफिट लिखा हुआ है. दिस इज रॉन्ग. ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री के प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश है यहाँ पे. थर्ड पार्ट से इट डज नॉट फिक्स द प्राइजेस एट विच द मेंबर सेल देयर आउटपुट. ये भी गलत है क्योंकि यही तो पॉइंट है, प्राइस ही तो सेट करना है सो दैट नो अदर फर्म अपार्ट फ्रॉम दिस कार्टल वुड बी एबल टू सेल एट अ चीपर रेट. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सेकेंड पार्ट लेते हैं, इट डिसाइड्स द टोटल आउटपुट इन द इंडस्ट्री टू विच द कार्टल रिप्रेजेंट. इट डिसाइड द टोटल आउटपुट. यस, तो टोटल आउटपुट डिसाइड करते हैं, प्राइजेस डिसाइड करते हैं एक कार्टल, सो दैट वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर पाए. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दो पार्ट रहते हैं, वन इज योर प्राइस एंड अदर इज योर क्वांटिटी. हेंस सेकेंड ऑप्शन इज ओनली ट्रू, पार्ट सी इज करेक्ट. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग द चैट बॉक्स एंड ओनली टू और सी पार्ट वॉज योर करेक्ट आंसर. सो कूडोज टू ऑल ऑफ यू हू हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड गिविंग द करेक्ट आंसर एज वेल. और अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं भी आता है, डू ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, क्यों, इससे आप एक टेम्परमेंट डेवलप करोगे, गेस वर्क हो या अपनी नॉलेज को टेस्ट करना हो, वो ऐसे ही छोटे छोटे टेस्ट लेके आएगा. 10 क्वेश्चन सीरीज ही है यहाँ पे, तो यहां से आप अगर कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चलती रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कूर्नट मॉडल, जोसेफ जोसेफ बर्थरेड मॉडल, बर्थरा मॉडल कहते हैं इसको मोर फेमसली. नेक्स्ट इज एजवर्ड एंड स्टैकलबर्ग मॉडल. तो ये सब आपको अरेंज करने हैं इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हेयर आर योर ऑप्शन एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द ईयर्स इन विच दीज मॉडल्स वर गिवन. द कूर्नोट मॉडल वॉज गिवन इन 1838, जोसेफ बर्थरा मॉडल वॉज गिवन इन 1883, एजवर्थ वॉज गिवन, ही गेव हिज ऑलिगोपोलिस्टिक मॉडल इन 1897 एंड स्टैकलबर्ग गेव इन 1934. जल्दी से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. दीज क्वेश्चन, दीज क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन आ जाता है, आपने पास्ट ईयर्स में जब भी देखा हो, कुछ ना किसी तरीके से, नए तरीके से आपसे हर सारे के सारे जो मॉडल्स हैं, सारे के सारे जो इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज हैं, ग्रोथ मॉडल्स हैं, उनके ईयर हमेशा पूछे गए हैं. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दैट यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. द करेक्ट आंसर इज ए. ए आपका सही आंसर है. आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि कौन पहले आया और उसके बाद कौन सबसे लास्ट आया. सो आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. ए इज योर करेक्ट आंसर. लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर पास्ट ईयर. अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम इट इज ए पार्ट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वन्स ओपोनेंट्स व्यू पॉइंट ऑफ व्यू. बी पार्ट इज नॉन एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वन्स पॉइंट ऑफ व्यू. पार्ट ए कह रहा है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना जरूरी है. पार्ट बी सेज दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना नहीं जरूरी है. पार्ट सी सेज असेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू डिड्यूस हिज लाइकली रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. डी पार्ट सेज असेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट्स लाइकली रिस्पॉन्सेस. नाउ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. अब जो नॉन कोऑपरेटिव है वो अभी हमने समझ लिया कि उसके अंदर यू गो इन अ
वॉर, वो किसी भी तरीके से की हो सकती है, प्राइस वॉर भी हो सकती है, क्वांटिटी वॉर भी हो सकती है. अल्टीमेट गोल हेयर इज टू कैप्चर द मार्केट. सो अल्टीमेट गोल है आपका मार्केट को जितना ज्यादा कोई कैप्चर कर सकता है, जितना ज्यादा अपना शेयर बढ़ा सकता है, वो आप यहाँ पे ट्राई रहती है. तो या तो आप प्राइस से कर सकते हो, आइदर यू डिक्रीज योर प्राइस तो आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आप क्वांटिटी वॉर कर सकते हो कि आप क्वांटिटी बहुत सेल आउट करने लग जाओ, बल्क में बनाने लग जाओ. ओके, सो दीज आर योर ऑप्शंस. तो इसका मतलब है कि दूसरे अपने ओपोनेंट के लाइकली, कि वॉर है एक गेम जैसा है, इसको आप चेस की गेम से भी असेस कर सकते हैं कि मुझे ये देखना है कि लाइकली प्रोबेबल उसकी आउटकम क्या हो सकती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मूव्स हैं एक मार्केट में. वो अपने क्वीन को चल सकता है, किंग को चल सकता है, अपने नाइट को चल सकता है, तो वो किसी भी चीज को चल सकता है एक चेस में. वैसे ही मार्केट में ही हैज मल्टीपल मूव्स. तो लाइकली का मतलब प्रोबेबल आउटकम, मुझे ये देखना है एक तो वो कैसे क्या क्या चलेगा, और मैं उस हिसाब से आई विल मेक माई ओन स्ट्रैटेजी कि मुझे सारे जो उसके मूव्स हो सकते हैं, ऑल द पॉसिबल मूव्स, उसको मुझे काउंटर करना है. सो हेंस वन स्टेप इज टू सी माय ओपोनेंट, व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड हिज लाइकली रिस्पॉन्सेज, एंड आई नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली. हेंस आई होप दैट यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. सी इज योर करेक्ट आंसर. एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू डिड्यूस हिज लाइकली रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. So let us move on to the question number 5. Which of the following statement are true about Putnam model? They do not achieve full demand of the economy in a period. The firms जो है, जो full demand है economy को, उसको एक period में qualify नहीं करते हैं. This is the Putnam model. B part says in N, where N is the number of firms, when they tend to be very large, it becomes into a perfect competition. Part 3 says it gives a stable equilibrium. Ek stable equilibrium deta hai ye. Part 4 says could not use reaction curve to explain his theory. Now these are your options. Isme se aapko batana hai in sari charo statements mein se kaun si statements are correct. To ek to अभी हम कुड नॉट मॉडल पढ़ेंगे और रिएक्शन कर्व्स पढ़ेंगे. मीनवाइल यू गाइस कैन ट्राई एंड आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ यू ऑलरेडी नो कि कुड नो ने मॉडल कब दिया था. वी हैव डिस्कस्ड इट. काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको याद है कि उसने अभी मॉडल कब दिया था. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट. नाउ कुड नो टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी टेक्स अ डुओपोली. डुओपोली लेता है वो. ऑल्सो ही सेज द मार्केट इज होमोजिनस. फॉर एग्जाम्पल दीज डुओपोली कैन बी वॉटर मार्केट, बिस्लरी और किंडले. ये दो तरीके की वॉटर पैकेजिंग कंपनीज हैं और ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में है. एंड बोथ ऑफ देयर प्रोडक्ट द मिनरल वॉटर रिमेन्स द सेम. तो जो बॉटल बिस्लरी सेल कर रहा है वही बॉटल किंडले सेल कर रहा है, सेम प्राइजेस पे सेल कर रहा है. एक होमोजेनियस मार्केट है, मतलब प्रोडक्ट आपके ही होमोजेनियस है. प्राइजेस के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं आगे. नेक्स्ट इज कि उनकी जो कॉस्ट है वो जीरो ली है, मतलब इनके पास कोई इन्वेंट्री थी पानी की. फॉर एग्जाम्पल इनके कुछ अपने पंप्स थे, इनका कोई वाटर स्टोरेज सिस्टम था, जिससे इनकी जो कॉस्ट है वो जीरो है. कोई कुआं था पानी का जिससे इनके पास जो कॉस्ट थी वो नील हो गई. ऑल्सो वी फ्रॉम द कॉस्ट बीइंग इक्वल टू जीरो, मार्जिनल कॉस्ट भी जीरो के बराबर है. नो हियर वी आर ऑन आर नॉर्मल इनवर्स डिमांड कर्व. प्राइजेस है यहाँ पे, क्वांटिटी है, और डी डी डैश इज माई डिमांड कर्व. ये मुझे मेरा डिमांड कर दिया हुआ है, ठीक है. एंड दिस एम आर कर
इज गिवन बाय द डैश लाइन, एम आर कर्व है। अब हमें पता है कि अगर एम सी जीरो है तो वो यहां पे होगा, कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस। जो एम सी है वो जीरो है, तो वो कहाँ पे होगा, वो फ्लैट कर्व बनेगा वेयर एक्स एक्सिस इज टचिंग जीरो, तो वो यहाँ पे है। वी नो आर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड इन कुड नॉट डुओपोली फर्म्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। फर्म्स जो है कुड नॉट मॉडल में वो मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं अपना प्रॉफिट। सो एम आर इज इक्वल टू एम सी पे जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज करते हैं, ये हमें पता है। सो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज करेंगे। यहाँ पे हमारी एक और अजम्पशन है कि जो ए है, फर्म ए एंड फर्म बी दो फर्म्स हैं। फर्म ए फर्स्ट मूवर है, पहले चलेगा, पहले अपने प्राइजेस और अपनी क्वांटिटी को डिटरमाइन करेगा, और बी उसके बाद चलेगा। ऑल्सो ए अपनी जो अजम्पशन है विच वी हैव जस्ट डिस्कस इन द लास्ट क्वेश्चन, दैट आई नीड टू सी मेरा ओपोनेंट का क्या व्यू पॉइंट है और आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ए अज्यूम्स जो बी ने पिछले क्वार्टर में प्रोड्यूस किया था वही वो आज प्रोड्यूस करेगा, और बी जो है वो अज्यूम करता है कि ए ने जो पिछले क्वार्टर में प्रोड्यूस किया था वो वही प्रोड्यूस करता रहेगा। नाउ हियर वी आर अगेन। अब हमें पता चल गया कि एम आर इज इक्वल टू एम सी है, वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। ए हमारा फर्स्ट मूवर है, ए इज माय फर्स्ट मूवर, एंड पॉइंट ए एज डिपिक्टेड हियर गिव्स मी द क्वांटिटी फॉर द फर्म ए क्यू ए, ओके, एंड आई नो टू डिटरमाइन द प्राइस इन अ नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। आई विल सी डिमांड कर्व कहाँ पे लाई कर रहा है एट द पॉइंट ए, एंड दिस विल बिकम द प्राइस लेवल फॉर ए, ओके। नाउ हेयर वी आर मूविंग बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी पहले डिटरमाइन हो रही है एंड देन वी आर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ माई कमोडिटी। सो वॉर किस में हो रही है, क्वांटिटी में, ओके। नाउ बी को लगता है ए इज कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, इट इज सप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, सो दिस पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज गॉन। ओ ए जो है वो पूरा का पूरा ए सप्लाई कर चुका है क्योंकि वो फर्स्ट मूवर था। नाउ द बी विल टेक द अदर हाफ ऑफ द डिमांड कर्व दिस फ्रॉम दिस पॉइंट सी टू डी डैश। नाउ बी के पास जो उसका साम्राज्य है वो इतना ही बचा है कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ही प्रोड्यूस कर पाएगा, ओके। सो दिस इज माय डिमांड कर्व व्हिच इज लेफ्ट फॉर बी। नाउ बी टेक्स इट्स एम आर एंड इट प्रोड्यूसेस हियर वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी फॉर हिम। ये बी का एम आर है एंड हेंस वी गेट दिस क्वांटिटी। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी की जो ए आर है का हाफ पे एम आर इंटरसेक्ट विद योर एम सी, सो दिस ए पॉइंट इज द हाफ ऑफ ओ डी डैश, ओके, ऑफ ओ डी डैश। ओ ए इज हाफ ऑफ ओ डी डैश एंड बी क्योंकि उसके पास यही डिमांड कर कुछ पड़ी थी सी डी डैश। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली सी डी डैश फॉर द फॉर्म बी, सो उसका हाफ क्वांटिटी, द हाफ ऑफ द ए डी डैश कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बी, दैट इज ए बी। नाउ बी इज प्रोड्यूसिंग दिस पॉइंट ए बी, तो एक पीरियड में द फर्म्स आर ओनली एबल टू प्रोड्यूस ओ बी, और पूरी मार्केट डिमांड क्या थी हमारे पास ओ डी डैश, तो इतनी पूरी मार्केट डिमांड थी, उसकी नीड थी, पर वो प्रोड्यूस कर पाए ओनली ओ बी, सो द फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस एंड द फुल डिमांड इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड,
So this was my oligopolistic setup in the Cournot, basic oligopolistic setup. इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा? What will happen in the next period? A will see that I am left with only this much demand. Let me provide half of this from this point, and this will be the new prices for A. Again, B will see only this much amount of quantity. Let me change the color of the pen. This much quantity is left with me. Let me produce again, and this will continue in a form of a GP. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ जीपी. क्यों जीपी है ये? पहले ओडी का हाफ प्रोड्यूस हुआ, फिर उसका हाफ प्रोड्यूस हुआ, ओडी के हाफ का भी हाफ प्रोड्यूस हुआ, फिर उसका हाफ प्रोड्यूस हुआ, 1/8 प्रोड्यूस हुआ. मतलब नाउ दिस प्रोग्रेसेस इन अ फॉर्म ऑफ अ जीपी. तो कहीं पे क्वेश्चन आए, so now you know that Cournot जो progression होता है that continues in form of a GP. अब हमें ये भी समझ में आ गया कि कैसे चीजें supply हो रही होती है Cournot में. Okay, अगर n number of firms हो जाएंगे यहाँ पे, if the firms tend to n, दो की जगह n number of firms हो गए, infinite number of firms हो गए, what will happen? It will change the perfect competition any oligopolistic market if the firm size increases to n or infinite. The firms will never remain price maker, they will become price taker. So market determine karne lag jayega. Next part was the reaction curve. Ab jo reaction curve hota hai, that is given by this. Kuch economist ko laga this price demand determination is very difficult. So let us make a reaction curve where the economic profits made by firm A and B remains constant throughout a curve. So ये reaction curve बनाया गया यहाँ पे, और जहां पे ये दो reaction curve A और B के intersect करेंगे वहां पे I'll get my stable equilibrium. So we constructed isoprofits. Isoprofits यहाँ पे बनाए गए for firm A and B, and we said where they will intersect, their wants from the market will intersect. I will get a equilibrium, a stable equilibrium. तो ये Cournot के बाद जो इकोनॉमिस्ट आए, Cournot himself did not give this reaction curve. उनके बाद जो इकोनॉमिस्ट आए, they gave this reaction curve where they took the profit of the two firms given and they made this particular curve. और अब ये stable क्यों है? क्योंकि अगर हम जिस भी क्वांटिटी से शुरू करते हैं, we will reach to this point only, C point only. Why? For example, this is RF1. Let's say this curve is the ISO profit for A and this is for B. Okay, now let's start that A produces here. Now B would be left to produce this much quantity. And in the next period, A would think, okay, B is producing this much quantity. So I am left with this much quantity. Let me just change the pen. Let me just use green pen. Agar A ye produce kar raha tha, to B ke agar iso cost curve pe jaye, to B ke liye ye quantity reh gayi. Now if B is producing this much, now A will come back and see, उसके लिए एक quantity रह गई. ऐसे करते करते we will reach to point C all over again. So this equilibrium becomes stable. Let us come back to our question. Now we know that the equilibrium is stable. That is correct. If there are n number of firms, perfect competition बन जाएगा.
or they are not able to achieve the डिमांड ऑफ द इकोनॉमी इन अ पीरियड. वो भी हमने देखा कि एक पीरियड में जो डिमांड ऑफ द इकोनॉमी है वो फुलफिल नहीं होती, उससे कुछ ना कुछ अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज रह जाते हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिमांड. पॉइंट फोर्थ, दैट कुड नॉट यूज द रिएक्शन कर्व टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी. दिस इज रॉन्ग, कुड नॉट डिड नॉट यूज दिस. सो सी पार्ट 1, 2 and 3 इज करेक्ट. दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एंड अ टीडियस वन, बट इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एक पार्ट दे दिया जाएगा. मैंने आपको सारा जो कंसेप्ट है वो एक ही पार्ट में करवा दिया है. नाउ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर मॉडल्स रिलेटेड टू ऑलिगोपोलिस्टिक वेरी इजीली. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्डून लॉ. अब ये जो वर्डून लॉ है इसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है. आई फाउंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू बी अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सोचा ये डिस्कस करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बेनिफिट ऑल ऑफ अस. इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में, या फिर और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं. A long-run productivity generally grows proportional to the square root of the output growth. B part says short-run productivity generally grows proportional to the growth of output. Part C says the value of Verdun's coefficient is nearly equal to 1. Verdun's law is quite cognizant in the solo model of functioning. So let us understand this law. This was given by P.J. Verdun in the year 1949. Year bhi note kar lena. Please do note the year because years are also very important. Okay. It says the long run productivity of a economy generally grows as a square root of the growth. Ultimately, डेट के वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है. मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है इकोनॉमी के लिए, लेकिन उसकी फिलॉसफी समझना जरूरी है. वर्डून कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है आपकी ग्रोथ रेट से. इसका मतलब है इफ द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज अलॉट, देन जो आपकी प्रोडक्टिविटी है दैट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. If you are growing as a country, as a nation, your GDP is increasing, your incomes are increasing, your savings will increase. Now from these savings, you will indulge yourself in more productive activities. Or more productive activities ke jagah aap aur kya kar sakte hain, aapki jo income increase kari thi, aap food jo hai, you will get better food se bhi productivity increase karti hai. तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर गई. लेबर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग. ऑल्सो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जो इकोनॉमी को पहले 10 तरह के इनपुट्स लग रहे थे प्रोड्यूस करने में, और लेट से 20 लेबर लग रहे थे एक चीज प्रोड्यूस करने में, अब इकोनॉमी क्योंकि ग्रो कर गई है, ग्रोथ है उसमें, स्पेशलाइज कर गए हैं हमारे लेबर, तो शायद 10 लेबर की लगी. ये वर्डून कह रहा है कि एक्सपोनेंशियली ये ग्रोथ होती है इन द लॉन्ग रन. उसने एक लॉन्ग रन थ्योरी दी है एंड हेंस एक्सोजिनस और एंडोजिनस, अंदर से भी और बाहर से भी कोई स्टिमुलस आ सकती है टू चेंज माय मॉडल. हेंस दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम द सोलो मॉडल. ओके, सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, ए पार्ट is the direct result of the Verdun law. Okay, let us move on to the question number 7. Very interesting question. Given the demand function quantity is equal to 20p, where the symbol have the usual meaning, at which price elasticity of demand would be unity. 1 kab rahega elasticity wo nikalna hai. 20, 10, 5 and all of the above.
इसमें गलती क्या की थी, एग्जाम में पास्ट ईयर रिलेटेड क्वेश्चन ही है. पीपल स्टार्टेड यूजिंग ई, इलास्टिसिटी पहले निकालने लगे रादर देन कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी फ्रॉम दिस गिवन फंक्शन ओनली. इलास्टिसिटी हेयर वुड मीन डी क्यू बाई डी पी इंटू पी इंटू बाई क्यू. नाउ आई नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस पर्टिकुलर 20 पी डिवाइडेड बाई पी बाई क्यू. नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ 20 पी इज 20 इंटू प्राइस डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी. क्वान्टिटी मुझे दिए हुआ है 20 पी. क्वान्टिटी इज इक्वल टू 20 पी. दिस इज गिवन. नाउ आई विल जस्ट सब्सटीट्यूट एवरीथिंग हेयर एंड गेट अ डिड्यूस्ड इलास्टिसिटी ऑफ वन. सो फॉर ईच एंड एवरी क्वान्टिटी, कोई भी यहाँ पे क्वान्टिटी होती, कोई भी प्राइस लेवल होता, उसके लिए इलास्टिसिटी फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन इज रिमेनिंग वन. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फंक्शन. नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फंक्शन इज लाइक दिस. क्वांटिटी के साथ दिस इज जस्ट अ हिंट सो दैट यू वुड बी एबल टू एसोसिएट विद द क्वेश्चन मोर एफिशिएंटली. पार्ट पहल वन इज सेइंग इट सॉ इस स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव. इसकी जो स्लोप है हमेशा नेगेटिव रहती है. पार्ट टू सेज इट स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन. ग्रेटर देन वन स्लोप रहती है, पॉजिटिव स्लोप रहती है. पार्ट सी सेज, थ्री सेज इट स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू वन. इसकी जो स्लोप है ऑलवेज इक्वल टू वन रहती है. इसका मतलब कि लीनियर बन रही है वो स्लोप. नेक्स्ट पार्ट सेज इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट इज इक्वल टू वन. इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट का मतलब है कि जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज आ रही है उतना ही चेंज आ रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में, क्योंकि यूनिटी है, प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है. कोई भी ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, कम चेंज नहीं आ रहा, इक्वल टू वन आ रहा है. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डू डिमिनिश विद एवरी गिवन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. फिक्स्ड कॉस्ट जैसे होती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स, जो कि वेरिएबल नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल योर कैपिटल एंड लेबर, दे आर द वेरिएबल्स दैट यू टैकल. लेकिन जो एक इनपुट कॉस्ट है, एक संक कॉस्ट है जो इनिशियली आपने कर दी, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. जो इतना बेयर मिनिमम तो आपको किसी बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए. नाउ दिस इज द बेयर मिनिमम. नेक्स्ट इज दिस. सो दिस इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. दिस वॉज माई फिक्स्ड कॉस्ट एंड इफ आई डिवाइडेड विद द क्वांटिटी आई विल गेट द फिक्स्ड कॉस्ट. जो फिक्स्ड कॉस्ट का आपका एक फंक्शन का डिफरेंशिएट आप जब कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो हमारे पास कर्व आता है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये कंडीशन होती है कि एट एवरी पॉइंट द चेंज रिमेन्स द इक्वल प्रोपोर्शनेट रहता है. सो हेयर यू कैन आंसर कि वी कैन सी द स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज डिमिनिशिंग थ्रू आउट माई क्वान्टिटी. And the elasticity with respect to output remains one. So fourth and first are the correct option. A is your correct part. This question is very interesting and this has been asked in your past year paper. So I hope that you enjoyed solving this question. Question number 9 देखते हैं. A frequent farm loan waiver in India may give rise to which of the following problem? अब ये asymmetric information से एक related एक question है, which is a part of micro. Very easy question. I hope that most of you would be able to solve this question. So try and answer this particular question in the chat box. Part A says moral hazard. Part B says debt overhauling. Part C says risk aversion. Part D says adverse selection. एक एक करके इन सबके meanings देख लेते हैं. Adverse selection का मतलब है धोखा हो गया आपके साथ. कुछ और आप खरीदने के लिए जा रहे थे, कुछ गलत सामान ले आए हैं. फॉर एग्जाम्पल कार मार्केट,
सेकेंड हैंड कार मार्केट। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, आप नहीं बता सकते कौन सी कार बेटर है, सो आपके साथ किसी ना किसी ने तो आपको गलत गाड़ी दे दी जिसका इंजन खराब था, एडवर्स सिलेक्शन हो गया आपका, यू एक्चुअली पिक्ड अप द रॉन्ग प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज रिस्क अवर्जन। रिस्क अवर्जन का मतलब है कि यू डू नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क इन द मार्केट। पार्ट बी सेज डेट ओवरहॉलिंग, इसका मतलब रिस्ट्रक्चर होता है, डेट को रिस्ट्रक्चर करना। कैसे? किसी कंपनी ने लोन लिया, अ कंपनी टुक अ लोन, दे वर नॉट एबल टू रीपे द लोन, रीपे नहीं कर पाए, दे हैड एन ऑप्शन आइदर टू गो बैंकरप्ट, बट आरबीआई ने उनको बोला रुको अभी कोई बात नहीं है, तुम्हारी जो कंपनी है उसकी जो हमारी इक्विटी है वो बेच देंगे हम, और उससे हम अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे। तो आपके डेट को दे चेंज इनटू इक्विटी, रिस्ट्रक्चर कर दिया, नाम बदल हो गया, चेंज हो गया आपके डेट का लायबिलिटी से एसेट्स के फॉर्म में आ गया। नाउ दिस इज डेट ओवरहॉलिंग। नेक्स्ट इज मॉरल हैजार्ड। अब मॉरल हैजार्ड का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस मार्केट से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू टुक अ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लिया आपने, और जो इंश्योरेंस कंपनी थी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी LIC भी ले लेते हैं, SBI भी ले सकते हैं, कोई भी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उनको ये पता नहीं था कि जब आपको लोन दे देंगे तो आप रिस्की बिहेवियर करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले आप जो है लोन लेने से पहले यू वर नॉट इंडल्जिंग इन अनहेल्दी एक्सरसाइजेस, अनहेल्दी हैबिट्स नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल उससे पहले आप एल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे, स्मोकिंग नहीं करते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन जब आपको लोन मिल गया, व्हेन यू एक्चुअली गॉट द लोन, व्हाट यू डिड वाज यू स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज अनहेल्दी प्रैक्टिसेस लाइक कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स एंड नॉट एक्सरसाइजिंग एट ऑल। सो दिस इज अ मॉरल हैजार्ड प्रॉब्लम कि अगर आपको लोन अब मिल चुका है उसके बाद यू एक्चुअली गेट इन टू अ रिस्की बिजनेस, एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग विद द फार्म लोन वेवर इन इंडिया। तो आपको ये पता चल गया, फार्मर्स को ये पता चल गया कि हमेशा ही जब मैं एक लोन लूंगा और इफ आई एम नॉट एबल टू रीपे इट, तो मुझे जो सरकार है वो लोन को वेव कर देगी, मतलब मना कर देगी, कोई बात नहीं है लोन नहीं पे किया जा रहा, तो आई एम वेविंग ऑफ योर लोन, यू डू नॉट नीड टू पे दिस। तो अगर सरकार ये बार बार करती रहेगी जो फार्मर्स हैं दे विल एक्चुअली बिकम कॉम्प्लिसेंट और वो रिस्की बिहेवियर में जाने लगेंगे आफ्टर टेकिंग द लोन। फॉर एग्जाम्पल दे वुडंट सप्लाई इनफ वॉटर टू द लैंड, स्टफ लाइक दीज विच विल हैम्पर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, एंड एट द एंड जब उनको लोन रीपे करना होगा तो उनके पास, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी, उनके जो उन्होंने क्रॉप्स प्रोड्यूस करी वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, इसलिए वो लोन रीपे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉरल हैजार्ड प्रॉब्लम, लोन लेने के बाद रिस्की बिहेवियर में गए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो डू रिमेंबर टू पोस्ट योर मार्क्स आउट ऑफ 10। सो यू हैव बीन गिवन AR एंड यू हैव बीन गिवन MR, सो वेरी इजी फॉर्मूला of the relationship between MR and your elasticity and AR. So you just need to put your formula. बहुत easy question है, बिल्कुल ही आपको यहाँ पे अपनी values को ही put करना है, बहुत easily you would be able to solve this. Divide कर दीजिए 5 को, उधर ले जाइए 3 minus 1, 3e minus 3 is equal to e, 2e is equal to 3, एंड योर ई इज इक्वल टू 1.5 और 3/2। सो 1.5 इज द करेक्ट आंसर, सो बी इज योर करेक्ट पार्ट। आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ ये जो फॉर्मूला है AR इज इक्वल टू MR, वन क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं।
this was your last question. To do let me know in the comment section what do you think, what is your score, and do let me know कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस